दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। खबर, बिहार में सरकार ने बढ़ाया सभी बसों का किराया, लंबी दूरी और नगर सेवा दोनों पर असर। जी हां, बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने नगर बस सेवा के साथ लंबी दूरी की बसों का भी यात्रा किराया बढ़ा दिया गया है। इसका असर पटना समेत अलग अलग शहरों में चलने वाली सिटी बसों पर भी पड़ेगा। विभाग की ओर से नए किराए की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने आम लोगों के साथ ही बस सेवा से जुड़े लोगों को नए किराए पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। नए बस किराए की अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आपको बता दें कि साधारण बस सेवा के लिए 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर, डिलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपया प्रति किलोमीटर, डिलक्स एसी बस के लिए 2 रुपये प्रति किलोमीटर और वोल्वो और मर्सिडीज बसों के लिए 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर नया किराया निर्धारित किया गया है। वहीं नगरीय बस सेवाओं के लिए पहले 4 किलोमीटर के लिए 1.6 रुपये व अगले प्रत्येक 2 किलोमीटर के लिए 1.5 रुपये मात्र किराया लिया जाए। विभाग ने 1 माह तक बढ़े यात्री किराए पर आपत्ति व सुझाव मांगे हैं, इसके बाद नया किराया लागू हो जाएगा। बड़ी खबर, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी थामेंगे कांग्रेस का दामन, 28 सितंबर को हो सकते हैं शामिल। जी हां, सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस का दामन थामेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 28 सितंबर को दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की अहम भूमिका है। इन दोनों नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की मध्यस्थता हार्दिक पटेल कर रहे हैं। खबर, सीबीएसई ने जारी की सीटेट की परीक्षा की आवेदन की तिथि, 16 दिसंबर से होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 15वें संस्करण के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीबीएसई के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी रमा शर्मा ने बताया कि इसमें शामिल होने के लिए 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 19 अक्टूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट seatet.nic.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने का शुल्क 20 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 और 2 के लिए 1200 रुपये तथा किसी एक पेपर में शामिल होने के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 500 तथा दोनों पेपर के लिए 600 रुपये शुल्क देने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, रोपियों की सैर कर ले सकेंगे मंदार के वादियों का मजा, 21 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जी हां, बीसी के मंदार में देश विदेश से भ्रमण को आने वाले सैलानी जल्द ही रोपियों का आनंद ले सकेंगे। सुबह के दूसरे रोपियों का उद्घाटन आगामी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। बिहार के लिए अच्छी खबर, जमीन की मापी में अब नहीं होगी 1 इंच की भी गड़बड़ी, नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में अब जमीन की मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराई जाएगी। बिहार में जमीन की मापी ATS डिजिटल मशीन से कराई जाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार 42,46,00,000 की ATS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है। गौरतलब कि बिहार में लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों समस्याएं सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार जो नया वाला ATS मशीन खरीदने जा रही है इससे कोई विवाद नहीं होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मापन प्रक्रिया में अमीन मशीन को किनारे कर खड़ा कर मापी किए जाने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। इसके बाद बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। इसमें GPS का भी उपयोग मापी के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माध्यम से 1 साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकती है। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है।
रविवार को मुजफ्फरपुर में हुई महापंचायत में भाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा, किसान अपने दम पर यहां लड़ाई जीतेंगे, कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन होगा। आपको बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में हुई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के किसान पहुंचे। इनमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या अधिक रही है। बिहार से यूपी और झारखंड के लिए शुरू होगी बसें। पटना से वाराणसी, जमशेदपुर और रांची जाना होगा आसान। जी हां, पटना से वाराणसी, रांची, जमशेदपुर समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के अन्य शहरों के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 100 नई बसों का परिचालन लोक निजी भागीदारी के तहत शुरू होगा। इसके अलावा राज्य के अंदर पटना से विभिन्न जिला मुख्यालय के लिए भी नई बसें चलाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी तैयारी कर ली है, जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पटना से वाराणसी के लिए निगम की अभी कोई बस नहीं चल रही है। वहीं रांची और जमशेदपुर के लिए निगम द्वारा पहले से बसें चलाई जा रही थी, जो कोरोना संक्रमण को लेकर बंद कर दी गई थी। अब फिर से रांची और जमशेदपुर के लिए दो दो बसें चलाई जाएगी। इसी तरह पटना से गोरखपुर के लिए गोपालगंज होते हुए नई बसें चलेगी। और बिहार में बाइक का हाई पावर साइलेंसर बदला तो अब होगी जेल, मॉडिफाइड बाइक पकड़ाने पर होगी जब्त। जी, बिहार में मोटरसाइकिल खासकर बुलेट जैसी बाइक में हाई पावर साइलेंसर बदलने पर जेल हो सकती है। सरकार ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मॉडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं। इस कारण से विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसे गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मॉडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। खबर, बिहार में पोलियो रोधी खुराक पिलाने का अभियान, 26 से 2 करोड़ बच्चों को दी जाएगी दो बूंद जिंदगी की। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के साथ कृमि नाशक दवा खिलाने और पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर कृमि नाशक दवा, एल्बेंडाजोल और पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा और पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सितंबर में 16 से 21 तक राष्ट्रीय कृमिनाशक सप्ताह और 26 सितंबर को पोलियो टीकाकरण सप्ताह के तहत दो गंभीर बीमारियों के नियंत्रण को लेकर अभियान शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दौरान भी चलते रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने की है ऐसी व्यवस्था। जी हां, चुनाव किसी भी तरह से हो लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खास तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है, तो तरीका ऐसा हो कि स्कूल की पढ़ाई बाधित ना हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि 1.5 साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह तक चुनाव की वजह से न रुक जाए। खबर, पटना में जनवरी से मिलेगी पाइप से गैस, जानिए किस इलाके से होगी शुरुआत, कितना बदलेगा आपके रसोई का बजट। जी हां, गांधी मैदान के आसपास के इलाके में अगले 4 माह में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी सेवा लोगों के घरों और अपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने गेल कंपनी को गांधी मैदान के पास मदर स्टेशन बनाने के लिए जमीन मुहैया करा दी है। स्टेशन बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद बकारगंज, दलदली, एक्सविजन रोड, सलीमपुर, आहरा आदि इलाके में पीएनजी की सेवा लोगों को मिलने लगेगी। इसके बाद कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाके में यह सुविधा जल्द होगी। बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में बिहार आने वालों की होगी कोरोना जांच, केरल व पंजाब से आने वाले रहेंगे क्वारंटाइन। जी हां, दुर्गा पूजा के दौरान प्रदेश से आने वाले पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके लिए पंचायत से लेकर शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना जांच केंद्र बढ़ाए जाएंगे। खासकर महानगरों से आने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, सरकारी व निजी बस पड़ाव के अलावा सभी पीएससी में केंद्र बनाए जाएंगे।
इसमें आरटीपीसीआर और एंटीजन किट से जांच की जाएगी। अगर सड़क मार्ग से कोई प्रखंड में अपने घर आते हैं तो उनकी भी कोरोना जांच करनी है, इसके लिए जनप्रतिनिधि व वार्ड सदस्य को भी मदद ली जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले कई राज्यों में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किया गया है। पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जिले में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी इन परदेशियों को 10 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटाइन रहना होगा। बड़ी खबर, बिहार में अब घर घर घूमेंगे स्वास्थ्य सेवक, लेंगे मरीजों की जानकारी, अन्य राज्यों से आने वालों पर रखेंगे नजर। या कोरोना संकट को देखते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। इसके अलावा राज्य में घर घर घूमकर स्वास्थ्य सेवक कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करेंगे। विभाग ने यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शुरू की है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अब नए सिरे से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था में जुट गया है। सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश भी भेज दिए गए हैं, उसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, पटना में मिलेगी विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं। विश्व का दूसरा और देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा पीएमसीएच। जी हां, पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। 5540 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 5462 बेड होंगे। अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांग गंग मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसकी क्षमता 10,000 बेड की है। पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड को मिलाकर लगभग 1800 बेड क्षमता है। अगले 7 साल में पीएमसीएच में 5462 बेड का अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह 3 फेज में बनेगा। पहले फेज में 2073 बेड का अस्पताल अगले 3 साल यानी 2024 में तैयार होगा। यह 7 मंजिला होगा। दूसरे और तीसरे फेज में अन्य विभाग बनेंगे। इसमें एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर चेम्बर, क्लासरूम, सभी जांच और पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई, ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं मिलेगी। बड़ी खबर, बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। बिहाटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में खोलेगा नया मेडिकल कॉलेज। जी हां, बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यह खबर उनके लिए है। अगले साल यानी 2022 से एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मेडिकल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राजधानी पटना के बिहाटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से यह मांग की गई, इस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। अब 2022 सत्र से एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार का आभार जताया। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि आज के होने वाले आईपीएल मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।